नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके फ़ायदे के बारे में। ये वीडियो देखने से आपका क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको बी फार्मा कोर्स के बारे में A to Z सारी जानकारी बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगी, क्योंकि मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, मैंने खुद ने बी फार्मा कर रखा है, तो बी फार्मा संबंधित सारी जानकारियाँ अच्छे तरीके से देने का प्रयास करूँगा। अब आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो की शुरुआत करते हैं बी फार्मा कोर्स के एक छोटे से परिचय से। देखिए, बी फार्मा एक इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ फार्मेसी, और ये मुख्यतः 4 साल का कोर्स होता है, और 4 साल के कोर्स को डिवाइड किया गया है सेमेस्टर वाइज, यानी कि आपके 1 साल में 2 सेमेस्टर होगा, यानी कि 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, 8 सेमेस्टर 4 साल में। ये तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब आइए समझ लेते हैं कि बी फार्मा की पढ़ाई के दौरान आपको किन किन चीज़ों की जानकारी दी जाती है। देखिए, बी फार्मा में क्या होता है कि आपको कई सारी जन चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स। अब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से उड़ रही होंगी, क्योंकि अभी आप इस क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आसान तरीके से आपको बताने के लिए। देखिए, बी फार्मा में पढ़ाया जाता है कि दवाइयाँ कैसे बनती हैं, यानी कि एक टैबलेट कैसे बनती है, कैप्सूल कैसे बनता है, इंजेक्शन कैसे बनता है। साथ ही साथ बी फार्मा वालों को बताया जाता है कि कोई दवा किस तरीके से काम करती है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से पर्सन टू पर्सन कैसे दवाइयों का डोज वेरी करता है, दवाइयों का एक्सपायरी डेट कैसे निर्धारित करते हैं, दवाइयों की जो पीक लाइफ होती है वो क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें एक फार्मासिस्ट को, एक बी फार्मा के स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से सेमेस्टर वाइज पढ़ाई जाती है, इससे कि वो दवाओं के बारे में सारी जानकारी एक फार्मासिस्ट को हो जाती है। और इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता रहता हूँ कि जब भी आपको किसी भी दवा का सेवन करना हो, कोई भी दवा लेनी हो, तो एक ऐसे ही दुकान से लें जो कि एक फार्मासिस्ट हो, क्योंकि फार्मासिस्ट को दवा के बारे में पूरी नॉलेज होती है कि कौन सी दवा को किस तरीके से देना है, किस दवा के साथ देना है, किस दवा के साथ नहीं देना है, किसका कितना डोज होता है। देखिए, यहाँ पर भी यही नियम है, लेकिन जो बड़े डेवलप्ड सिटी, वहाँ पे ये नियम है कि डॉक्टर जो होता है वो रोग को डायग्नोस करता है, और उस रोग के लिए कौन सी दवा देनी है, उसका डोज क्या होगा, ये सारा डिसीजन एक फार्मासिस्ट लेता है। और वही चीज़ यहाँ भी होती है, लेकिन इन चीज़ों को हम लोग अपने कल्चर में अच्छे तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाए, इसीलिए हम चीज़ों को ठीक से समझते नहीं हैं। तो एक बी फार्मा के स्टूडेंट को वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि दवा से संबंधित होती हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये जो सेमेस्टर वाइज कोर्स होते हैं, जैसे कि आपका एक सेमेस्टर में लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, और 2 सेमेस्टर में लग गया तो लगभग 11-12 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपने आपका अगर इसमें से किसी सब्जेक्ट में बैक भी आ जाता है, तो आपको वो बैक पेपर भर के अगले सेमेस्टर में आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसी ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब देखिए, ये तो हो गया बी फार्मा के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत, जो कि आपको जानना ज़रूरी था। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, क्या क्राइटेरिया होता है जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे बी फार्मा करने के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया, आपने इंटर साइंस साइड से किया हो तो आप एलिजिबल हैं बी फार्मा करने के लिए। दूसरी चीज़, आपके इंटर में 50% से ज़्यादा ही अंक आए हों, अगर आपका इंटर में 50% से कम अंक आएगा तो आप एलिजिबल नहीं है बी फार्मा करने के लिए। तो 2 क्राइटेरियाज मेन होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि आप जो है आपने इंटर किया हो साइंस साइड से। दूसरा चीज़ होता है कि आपके कम से कम 50% अंक आपके इंटर में आए हुए हों। अब आइए समझ लेते हैं कि स्कोप क्या है। आखिर आपने अगर बी फार्मा कर लिया, अपना जो है 4 साल का समय आपने दे दिया, तो आपको फ़ायदा क्या है आखिर? देखिए, इसके स्कोप की अगर बात की जाए, सबसे पहला जो स्कोप होता है वो होता है, शुरुआत करते हैं सरकारी नौकरियों से। वो होता है कि अगर आपने बी फार्मा कर रखा है तो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है वो एक PCS लेवल की जॉब होती है, और पूरे ज़िले में सिर्फ एक अधिकारी होता है जो कि दवाओं की गुणवत्ता और दवाओं से संबंधित सारी चीज़ों के बारे में वो उसका जो है अधिकारी होता है। तो पहला स्कोप होता है ड्रग इंस्पेक्टर। दूसरा स्कोप होता है, आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं। किसी भी सरकारी अस्पताल में आप फार्मासिस्ट के पद पर आपकी तैनाती हो सकती है। ये 2 कोर्स हो गए सरकारी में। तीसरी चीज़ होती है कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने बी फार्मा कर लिया है तो यू आर ग्रेजुएट, तो वो सारी वैकेंसियाँ
वो सारी वैकेंसियां आप भर सकते हैं, उन सारी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं जिसको भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा गया हो। जैसे कि आपका दरोगा का पोस्ट, लेखपाल का पोस्ट, जो भी वैकेंसी आपकी आती है जिसमें मांगा जाता है कि आप ग्रेजुएट हों, वो सारी वैकेंसीज़ आप भर सकते हैं। चौथी चीज़ क्या होती है, आप बी फार्मा करने के बाद फार्मा मार्केटिंग में जा सकते हैं। फार्मा मार्केटिंग मतलब होता है कि आप एक अच्छे कंपनी में मेडिकल रैप बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेडिकल रैप कई सारे जो है लोग बन जाते हैं लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। जो बच्चा जो लड़का बी फार्मा करके मार्केटिंग करता है, अच्छी कंपनियों में करता है, उसकी क्वालिटी कुछ अलग होगी, उसके पास नॉलेज होगा और नॉलेज से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो कॉन्फिडेंस जितना अच्छा रहेगा, जितना अच्छे से वो काम करेगा, वो उसके लिए और बेटर रहेगा। मतलब अगर आपने बी फार्मा कर रखा है तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों में, एमएनसी कंपनीज में आप एज अ मेडिकल रैप भी काम कर सकते हैं। और सैलरी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी सैलरी होती है फार्मा मार्केटिंग की। आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा आपको फार्मा मार्केटिंग में ही मिलेगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको। अगला चीज़ क्या होता है कि आपके लिए स्कोप होता है, अगला स्कोप होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में काम करने का। उसमें क्या होता है कि जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, जहाँ पर कैप्सूल बनते हैं, टैबलेट बनते हैं, इंजेक्शन बनते हैं, आप उस इंडस्ट्री में जाकर काम कर सकते हैं। वहाँ भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, और कई डिपार्टमेंट होते हैं पैकेजिंग, आपका मैन्युफैक्चरिंग, आप जैसे भी चाहे उसमें जॉब कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, वो सारी वैकेंसी है जिसमें सरकारी, वो सारी सरकारी वैकेंसी जिसमें कि ग्रेजुएशन मांगते हैं, आप उसको भर सकते हैं। आप जो है फार्मा मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं चाहते हैं, अगर आप खुद आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपनी खुद की फार्मा क्लिनिक भी खोल सकते हैं या फिर आप अपनी फार्मेसी, खुद की फार्मेसी भी खोल सकते हैं। अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी फार्मेसी भी खोल सकते हैं। तो ये आप देखिए, एक कोर्स करने से कितने सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। आप टेक्निकल बंदे हो जाते हैं, आपके पास टेक्निकल कोर्स हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग कोर्स होता है बी फार्मा। अगर आप बी फार्मा करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आपने इंटर कर रखा है जो है साइंस साइड से और आपके 50% से अधिक अंक हैं, तो बिल्कुल आप बी फार्मा करें, बहुत ही बेहतरीन कोर्स होता है। दूसरी चीज़, जो लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं उनको लगभग 70-80% तो उनका जो फीस होता है वो भी वापस आ जाता है। तो अगर इससे महंगा भी नहीं कहेंगे। और अब बात कर लेते हैं आखिरी में कितना रुपए लगते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, अगर आपने बी फार्मा सरकारी कॉलेज से कर रखा है तो बहुत ही सस्ते में निपट जाएंगे, लेकिन अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो फिर लगभग मान के चलिए मोटा मोटा आज के टाइम में एक साल का लगभग आपको कम से कम 1.5-2 लाख रुपए एक साल का आपका लग जाएगा। तो ये एक मोटा मोटा अंदाज़ा है, डिपेंड का ये वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बी फार्मा के बारे में लगभग सारी जानकारियां दे दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।